हाय फ्रेंड, रीमा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको घर पे सोने के लिए जो बोंटा बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। जैसा कि हमारे घर में औरतें साड़ी पहनकर छोड़ देती है, जो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उन सब साड़ियों से बोंटा कैसे बनाएंगे तो देखिए। एक बोंटा तैयार करने में कम से कम 5 साड़ी का यूज होता है। तो जैसे एक, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। इन 5ों साड़ियों को काटकर कैसे बनाएंगे ये आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। जैसे आपको एक सिंगल बेड के लिए बनाना हो तो सिंगल बेड के लिए, जैसा जिस तरीके का घर में आपका बेड हो उस बेड से साड़ी को नाप लीजिए। नाप कर उतना से दूर काट लीजिए। काट कर फिर कैसे क्या करना है वो बताएंगे। सबसे पहले देखिए कि साड़ी कैसे नाप कर, जैसे इस 5 फीट का मेरा बेड है, इस बेड के अनुसार कैसे नापेंगे, नाप कर काटेंगे। देखिए, सबसे पहले साड़ी को ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करके एक बराबर नाप में, ये हमेशा ध्यान रखिए कि बराबर हो, ये भाग आगे पीछे ना हो। फिर इसको नापिए, जैसा ये देख रहे हैं कि यहाँ मैंने कट लगाया हुआ है, इतना लंबा ही मैं बेड से नाप लिया है, ये इतना ही लंबा आएगा। वहाँ जहाँ बेड नाप लीजिए, नाप के वहाँ कट लगा लीजिए, उसी के बराबर कपड़े को काट लीजिए। एक भाग कट गया। अब इसी के अनुसार सारे साड़ी को काटना है, इसी के बराबर, इससे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा कर देंगे तो बोंटा सही से बन नहीं पाएगा। इसी के बराबर सारे साड़ी को काट लेते हैं, उसके बाद कैसे सिलाई करेंगे ये भी बताएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, ये जो पल्लू है इस पल्लू को बचा लेना है, पल्लू को इस बुंटा में नहीं लगाना है। इसको आप बाद में इसे डोरमेट तैयार कर सकते हैं, इसलिए जितने भी साड़ियाँ हैं उसका पल्लू निकाल लेना है, पल्लू उसमें नहीं लगाना है। इससे आपको 2 फायदे ज़रूर हो जाएंगे।